महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर राड छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर रुख साफ नहीं हो सका। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी महाविकास अघाड़ी से सीटों की मांग कर दी है। इसे लेकर बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर तंज कसा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में तो एकता ही नहीं। ऐसे में आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी से कितनी सीटों की मांग की है। दरअसल समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने ट्विटर पे पोस्ट करके कहा कि महाराष्ट्र में यदि महाविकास अघाड़ी का कोई भी पक्ष चाहे वो कांग्रेस हो, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस या उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, तो वो बिना समाजवादी पार्टी से बात किए विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं मानते। समाजवादी पार्टी से बिना बातचीत किए किसी भी पक्ष द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा करना गलत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी का उद्देश्य सभी सेक्युलर पार्टियों को साथ लेकर चलना और सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ लड़ना है। अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अनुमति चाहूंगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे कुछ भी हो, समाजवादी पार्टी जिन विधानसभाओं में मजबूत है ऐसी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। अब आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव का भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम बयान सामने आ गया। अखिलेश यादव ने यह कहा कि हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी मजबूती से लड़े, इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़े और दो से ज्यादा सीटें हमें मिले। अब जब अखिलेश यादव ने भी ये बात कह दी है तो महाराष्ट्र में सपा की बातों को बल मिल रहा है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते वहां पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़े। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे दो विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो। प्रदेश में गठबंधन में भी यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप हमने कैमरे से जरूर दिखाना। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 20 नवंबर को मतदान किया जाएगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। इसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुंबई और महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी के महाविकास अघाड़ी के घटक दलों और उनके नेता यानी कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को नसीहत दे दी है। सपा नेता अबू आजमी के इस ट्वीट के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि कल अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर को लेकर एकता की बात कही थी, आज उनके महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया कि वो महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर महाविकास अघाड़ी ने उनके बिना उम्मीदवारों की सूची जारी की तो सपा कुछ और करेगी। इससे साफ है कि गठबंधन में एकता नहीं है। यहां ना तो कोई लक्ष्य है और ना ही कोई नजरिया है। ये गठबंधन केवल नियंत्रण, महत्वाकांक्षा और भ्रम से भरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि केरल में वायनाड से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं क्योंकि इनकी धारणा है कि कौन अधिक सीटें जीतेगा और ताकतवर बनेगा। ये गठबंधन महाविकास अघाड़ी नहीं, महाविचित्र और महाविडंबना अघाड़ी है। अब अबू आजमी जैसे नेता कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना को निर्देश दे रहे हैं। वहीं उद्धव सेना ने हमारा सीएम चेहरा होना चाहिए ये मांग कर दी, जिससे कि शरद पवार और कांग्रेस ने सीधे तौर पे इसे नकार दिया। इसलिए ये गठबंधन पूरी तरह से भ्रम, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ है। यह ना तो महाराष्ट्र के लिए कोई लक्ष्य है और ना ही कोई नजरिया है। अब खास बात यह है
कि विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। महायुति की चुनौती जीत की हैट्रिक लगाने की है, तो एमवीए के सामने लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन बरकरार रखते हुए चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी की अगुवाई में महायुति महाराष्ट्र में हरियाणा जैसा चमत्कार दोहरा पाएगी, या फिर एमवीए हरियाणा की हार से सबक सीखते हुए इस बार बाजी मार सकेगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इन दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर कोई बात बनी है या नहीं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि एमवीए अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला और चेहरा घोषित नहीं कर पाई है। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाने पर अड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी चाहती है कि इसका फैसला चुनाव के नतीजे आने के बाद हो। वहीं महायुति में सीट बंटवारे पर सैद्धांतिक सहमति तो बन चुकी है, जिसके तहत बीजेपी 160, शिवसेना शिंदे गुट 95 और अजीत पवार की एनसीपी 3 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि गठबंधन का चेहरा सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे। अब इसका ऐलान कब होता है ये देखना अहम होगा, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अबू आजमी के सुर में सुर मिला दिया है, उसने जरूर एमवीए की परेशानी बढ़ा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।